हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको स्टडी पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ स्क्वायर निकालने की, अगर वो ट्रिक्स आप सीख गए तो आप टू डिजिट्स के जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इसको स्क्वायर निकाल कर रख देंगे। आपको पेन पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को मेरे साथ सीख लीजिए। देखिए, जैसे ये नंबर लिखेंगे इनका स्क्वायर मैं कितनी जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से आप क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जितनी स्पीड से मैंने ये स्क्वायर लिखा है इतनी स्पीड से आप क्या कर देंगे, इन नंबरों का स्क्वायर लिख देंगे। मेरी ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आपको टू डिजिट्स का कोई भी नंबर है, 100 से नीचे और 1 से ऊपर जितने भी नंबर हैं उन नंबरों का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर आप चुटकी बजाते ही क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ उस मेथड को सीख लीजिए, आपको 100 से नीचे के नंबर निकालने की कोई दिक्कत, स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नंबर मैंने लिखे थे, इन नंबरों को इरेज करते हैं, कोई नया नंबर लेते हैं हम, इन नंबरों का स्क्वायर निकाला है। अब आप हम क्या करेंगे, कोई दूसरे नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये स्क्वायर निकाले हैं वो मेथड मैं आपको बताया था। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि 2 डिजिट से ऊपर यानी 3 डिजिट जो नंबर हैं उनके स्क्वायर हम कैसे निकाले। तो देखिए दोस्तों, कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 21 लिखा था, आपने 23 ले लिया। ठीक है, आप किसका स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों, इस चीज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता, 2-3 चीजें स्टेप बताया था, उन स्टेप को आपको वेरिफिकेशन करके ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उन्हीं स्टेप्स को यूज करके आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करके आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपने क्या करना है, अगर कोई आपका सिंगल डिजिट स्क्वायर आता है, जैसे आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपका 9 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हो तो आपका 4 आता है। ठीक है, ये नंबर जिनमें 2 डिजिट नंबर ना बने, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर आपके 2 डिजिट नंबर नहीं बनते हैं, अगर आपका सिंगल डिजिट नंबर रहता है तो आप उस नंबर के आगे 0 लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, यही आपको वेरिफिकेशन करना है, यानी 3 का स्क्वायर आपने 9 करा तो 9 के आगे आपको 0 लगाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 के आगे भी क्या कर, यानी 04 इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, यानी 2 डिजिट नंबर बना के आपको इसको लिखना पड़ेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, कब, जब आपके किसी सिंगल नंबर का स्क्वायर करने पे सिंगल नंबर आता है तो। ठीक है, सिंगल डिजिट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो अगर सिंगल डिजिट आती है तो उसके आगे आपको 0 लगाना पड़ेगा, उसके आगे का काम मेरा है। अब आप यहाँ देखिए, सिर्फ 2 से 4 सेकंड लगेंगे स्क्वायर सॉल्व करने में, मेथड बताने में थोड़ा टाइम लगेगा 20 से 30 सेकंड, इससे ज्यादा वो भी नहीं लगेगा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना। आप स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे, वीडियो मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 23 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को सेपरेट लीजिए। 3 का स्क्वायर आप कितना लिखेंगे, मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट आएगी तो आप 09 लिखेंगे, 2 से आपका कितना आएगा 4। ठीक है, इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 2 से आपका कितना आ जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, फिर इन दोनों नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई, यानी 23, यानी आप ऐसे लिख लीजिए सिंपल तरीके से 2 × 3, और लास्ट में जितना स्क्वायर है इस नंबर से मल्टीप्लाई, किससे, 2 से। ठीक है, कितना 2 × 2 = 6, 6 × 12, और 12 को आपने लिखना कैसे, 4, 0, 9 और यहाँ पे 1 और 2, इस तरीके से आप सिंपली इसको जोड़ दीजिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा। 23 का स्क्वायर आपको कितना या 5, 2, 9, इसी तरीके से आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर है 39। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए और 2 डिजिट्स में है। ठीक है, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, 9 का स्क्वायर लिखेंगे कितना है, 81। तेज बोल रहा हूँ, समझ रहे, स्पीड बढ़ानी है, सॉरी। 3 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 9। 3 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर आपका आएगा 81। 9 × 2 = 9, 3 × 3 = 27। 27 × 2 आपका कितना है, 54। आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, 1, 8 और 4 कितना 2, कैरी लग गया कितना 1, 9 और 5 कितना है 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी आगे आपका किसका 39 का स्क्वायर कितना आगे, 39 का स्क्वायर 1521, ये आगे आपका किसका 39 का स्क्वायर। किसी और नंबर को भी लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर आप लीजिए, 99 का स्क्वायर निकाल लीजिए जी, ले लीजिए साहब, आपके सामने रखा हुआ है क्वेश्चंस। 9 का स्क्वायर आपका आएगा 89, 81, और यहाँ पे भी आएगा कितना 81। ठीक है, अब उसके बाद 99 जाए कितना, 81 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 81 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 61। अब देखो क्या यहाँ पे आ गया 3 डिजिट का नंबर, तो आपने लास्ट का एक नंबर छोड़ना है, उसके बाद आपने क्या करना है, सीधे नंबर को लिख के जोड़ देना है। देखो इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट। इसी तरीके से आप जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर है उनका स्क्वायर करेंगे, इजिली आप निकाल लेंगे।
9801 यही आपका क्या है 99 का स्क्वायर आएगा। चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर ले, अगर ये आंसर ना आए तो बात रही, ठीक है। कितना आ गया 529, किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 47 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ, जो 50 से नीचे और 50 से ऊपर वाले नंबर है उनका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, उसकी ट्रिक भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से क्या होगा, 7 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 49, 4 का स्क्वायर आपका आएगा 16, 17, 4 जा कितना 28, 28 2 जा 56, 56 को आप कैसे लिखेंगे 5 और 6 यहाँ पे ऐड करिए, 9, 6 और 4 कितना 10, 10 का 0 कैरी लग गया 1, 6, 5, 4 कितना 11, 11 और 1 12, यानी आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 1209, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, सॉरी 1209 नहीं 2209, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 20 इसका जो जोड़ने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई है, मैंने 1 में कैरी लिया ही नहीं, तो कितना है 2209 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 63 ले लीजिए, या कोई भी आपको जो नंबर आप उससे चेक कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर आपको कितना आएगा 09, मैंने आपको सिंगल डिजिट का जब स्क्वायर आएगा तो ये देखो यहाँ लिखा है, ये जो स्टेप मैंने आपको बताया इसको आपको याद रखना है, 3 का स्क्वायर आपका 09 आएगा, 6 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 36, 36, इस तरीके से आप इन नंबरों को लिखेंगे, यहाँ पे आपका 96 का 6 ऐसे उधर है 639 और यहाँ पे 3, तो ये आपका कितना आ गया 39, यानी इस तरीके से आप 63 का स्क्वायर लिखेंगे 3969। इस तरीके से आप कोई भी अगर आपका टू डिजिट्स का नंबर है तो उसका स्क्वायर आप छुटके में निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और जो नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी स्क्वायर से रिलेटेड। इसके बाद हम थ्री डिजिट्स के नंबर को स्क्वायर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ जो नंबर के जो क्या है 50 से छोटे और क्या है 50 से बड़े जो नंबर है उनका आप जो उनके आसपास के जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर आप इजीली फटाफट कैसे फाइंड कर लेंगे, तो आइए देखते हैं आप कैसे फटाफट हम फाइंड करेंगे। चलो पहले लेस देन 50 पढ़ लेते हैं, लेस देन 50 कैसे पढ़ेंगे आप, यहाँ मैं बता देता हूँ। 50 से जो छोटे यानी 40 से बड़े मान लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल, अगर फटाफट आपको नंबर निकाले अगर आप उस मेथड को यूज नहीं करना चाहते तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए आप इसका एक बेस ले लीजिए कितना 25, आपने क्या करा 50 से एक बेस ले लिया क्या, या 50 का हाफ ले लिया 25, हमने एक बेस नंबर ले लिया है, ठीक है। बेस नंबर लेने के बाद मान लीजिए आपने क्या करना है 41 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है 41 का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 41 जो है 50 से आपका कितना छोटा है, आपने सबसे पहला काम आपने क्या देखना है, जो 41 है वो आपका 50 से कितना छोटा है, जितना छोटा होगा आप उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है 9 छोटा है, तो 9 के लिए आपने क्या करना है 9 का स्क्वायर आपका कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर आपने क्या करना है जो नंबर आपका जितना छोटा है उसका आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और उसके बाद आपने क्या करना है लेस देन 50 बोला है तो 25 में से इजीली इसे माइनस कर दीजिए, 25 में से जब आप इसे इजीली माइनस करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 1681, यही आपका क्या होगा 41 का होल स्क्वायर, यह आ गया आपका 41 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप कोई और नंबर देख लीजिए 46 देख लीजिए, ठीक है। बेस नंबर आपने 25 मान रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50 से कितना छोटा है 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी 4 4 16। अब आपको 25 से 4 कितना छोटा है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकी बजाते ही निकालेंगे, चुटकी बजाते ही आप किसी भी नंबर का क्या कर लेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। 50 से छोटे आप 50 के छोटे आप समझ गए, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 40 से ऊपर, या आप 30 से ऊपर भी ले सकते हैं, पर उसमें आपको थोड़े स्क्वायर आपको 15 या 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, उससे आपको समझ पड़ेगी। हालांकि ये ट्रिक तो आपकी 10 तक भी आपकी फॉलो हो सकती है, 1 से 10 से ऊपर नंबर वाले फॉलो हो सकते हैं, बट आपको उसके के लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। बट आप 40 से ऊपर अगर आपको किसी का स्क्वायर निकालना है तो आप इस ट्रिक से निकालिएगा, बिल्कुल छूट के बजाते ही आपके क्या आंसर आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मोर देन क्या आएगा, मॉडर्न 50 देखेंगे। मॉडर्न 50 के लिए आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। मॉर देन 50 के लिए आपने क्या करना है, बेस नंबर हमने जो लिया था वही लेंगे हम, यहाँ पे भी कितना लेंगे 25, आप क्या करेंगे बेस नंबर लेंगे 25, आपका क्या रहेगा बेस नंबर रहेगा 25 में। मान लीजिए आपने यहाँ पर निकालना है 55 का स्क्वायर, किसका निकालना है 55 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना ज्यादा है
पांच ज्यादा है, उसमें कम देख रहे थे इसमें ज्यादा देखेंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा की बात है तो जितना ज्यादा है उतना लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। 25 में से पांच को घटा दो, सॉरी 25 में पांच को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, उसमें 25 में पांच को घटा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो लेस देन था, इसमें मोर देन यानी ज्यादा की बात कर रहा है, तो 25 में पांच को जोड़ के लिख दो, आंसर तुम्हारा यही आएगा, चाहे कुछ भी करके देख लो, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, किसी भी नंबर का ले लो, और 57 का ले लेते हैं, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा है, बेस नंबर हमने 25 ले ही रखा है, ठीक है, इसका इतना तो आप ध्यान रखेंगे। 7 का स्क्वायर आपका कितना, 49, 25 में 7 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस नहीं करना है, सॉरी प्लस करना है, फिर भूल गए हम, लेस देन नहीं करेंगे, क्या है, मोर देन है, थोड़ा पिछले वाला स्टेप याद आ जाएगा, 25 में 7 को माइनस कर दे रहे हम, तो इसमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी मोर देन की बात कर रहे थे, यानी हम इसमें 25 में 7 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेप देखिए, उसके बाद आप मान लीजिए 58 का निकाल रहे हैं, ठीक है, अब इसमें आप देखिए 50 लेस देन में 40 से तक मानता हूं, तो 50 मोर देन में आप क्या 60 तक के नंबर मान लिया, हालांकि उससे बड़े नंबर लेंगे, तो आपको मैंने कंडीशन बता दी है, 1 से 20 तक के आप स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे बेस नंबर 25 ही है, इसमें कितना 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना 64 होता है, 25 में 8 जोड़ेंगे आप 33, ये आपका कितना आ गया, इस तरीके से आपने क्या डिजिट सॉल्व हो गए, आगे ये आपके साथ स्क्वायर है, आप इन मेथड को यूज करिएगा, उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर, और जो 100 से छोटे नंबर होते हैं या जिनके लास्ट में 5 लगता है उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।